नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में बीजेपी पर गरजे अखिलेश यादव, कहा भाजपा वाले शहजादे शहजादे बुलाते हैं, हम शह भी देंगे और मार देंगे। अखिलेश यादव से बन गई राजा भैया की बात, अब मंच पर दिखेंगे साथ साथ, मुश्किलों में बीजेपी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, कहा सुनामी में बदल जाएगी इंडिया गठबंधन की लहर। प्रियंका गांधी ने सिरसा में भरी हुंकार, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ है लहर। सचिन पायलट ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा पंजाब में चुनाव करवाएगी कांग्रेस, पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव में चल रहे हैं आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। इस बीच वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन की लहर सुनामी में बदल जाएगी। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को चुनौती दे रहे कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने इंडिया ब्लॉक की जीत पर भरोसा जताया। दावा किया कि आने वाले चरणों में मतदान गठबंधन के लिए लहर को सुनामी में बदल देगा। अब जब 2014 और 2019 में वाराणसी आए थे तो क्या वो एक दिन भी यहाँ रुके थे, लेकिन इस बार वो यहाँ 2 दिन तक रुके। अब वो कोने कोने का दौरा करेंगे, लेकिन वाराणसी की जनता जाग गई है और इस बार अपने हक के लिए वोट करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जनता को साधने में जुटे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने अपने पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर निशाना साधा है और मोदी की नकल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर उनका मजाक उड़ाया और राहुल गांधी ने कहा कि एक इंटरव्यू में पीएम मोदी से पूछा गया कि भारत में अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है। पीएम मोदी ने 30 सेकंड सोचा, उन्होंने कहा कि क्या मुझे हर किसी को गरीब बना देना चाहिए। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुलकर कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, मिशन के लिए भेजा है, और उनके चमचे कहते हैं प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा है। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ को लेकर कहा कि सारी हदें पार हो गई हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। आप नेता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सारी हदें पार हो गई हैं और आज अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या पीएम इतने नीचे गिर गए हैं कि बूढ़े माता पिता को परेशान किया जा रहा है। वहीं दिल्ली की जनता इसका उत्तर उनके वोट के माध्यम से देगी, ये सब भाजपा की साजिश है। बिहार आरएलडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है, यही जनता का फैसला है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के आए फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, लेकिन ममता दीदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और इस फैसले को चुनौती देगी। प्रधानमंत्री जी की हार निश्चित है, इसलिए लोगों को इधर उधर भटका रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ने फैसला ले लिया है कि भाजपा को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है। हरियाणा के सिरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरियाणा के सिरसा की अपनी यात्रा में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत लहर है और लोग इसकी राजनीति से थक चुके हैं और सत्ता परिवर्तन आएगा क्योंकि बेरोजगारी और घुसपैठ चरम पर है। देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं महंगाई चरम पर है और इस बार सत्ता में परिवर्तन आएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा और कहा कि कांग्रेस पंजाब में चुनाव करवाएगी और पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पंजाब में चुनाव जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न केवल लुधियाना में बल्कि पूरे पंजाब में चुनाव जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा लोकसभा चुनाव में नेतृत्व कर रही है, पूरे देश में बदलाव का माहौल बन गया है, कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और हम सिर्फ लुधियाना ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में चुनाव जीतेंगे। युवा और मध्यम वर्ग सभी भाजपा के खिलाफ है, केंद्र की सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, किसान उनसे नाराज है और मतपेटी के माध्यम से अपना फैसला सुनाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का चुनाव आयोग पर फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड ना करने का गंभीर आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत के चुनाव आयोग पर अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए।
आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि फॉर्म 17C में डाले गए वोटों की संख्या का डेटा होता है, चुनाव आयोग इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता, उनकी हिचकिचाहट या समस्या क्या है? अगर डेटा अपलोड किया गया है तो हम बाद में डेटा के साथ संबंधित उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या से इसका मिलान कर सकते हैं। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया और कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन आ रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता की नेता राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नारा लगा रही है 400 पार तो उन्हें लगाने दो, अगर हमें नारा लगाने का अधिकार है तो उन्हें भी अधिकार है। पूरे देश में अशांति है, भारत गठबंधन की सरकार आ रही है, वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी हमें जितना चाहे गाली दे सकते हैं, लेकिन इन सभी का देश की जनता फैसला करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।